बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम हम मौजूद हैं अब्दुल सत्तार भाई के पास, तो उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि उन्होंने किस वजह से बुलवाया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। सत्तार भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमत है, आप सुने? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सत्तार भाई, आपने बुलवाया था, खैरियत थी? खैरियत थी, ये माशाल्लाह अपनी जगह है। अच्छा, ये इसमें से कुछ ज़मीन हमने मस्जिद के नाम वक़्फ़ की है। अच्छा। और कुछ ज़मीन बेचकर हमने जितना हो सकता था वो हमने मस्जिद के ऊपर पैसा लगाया है। यानी ये जो आपके सामने इतनी तमीर हुई खड़ी है, ये पैसा हमने इसके ऊपर लगाया है। और हम चाहते हैं कि इस मस्जिद को कंप्लीट किया जाए, मुकम्मल किया जाए। इस बारे में हम चाहते हैं कि कोई अल्लाह ताला सबब बना दे। अच्छा। किसी तरीके से। अच्छा, ये जगह आपकी अपनी है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी है। अच्छा जी, हाँ जी, बहुत अच्छी गल है। देखो जी, अजकल के दौर दे विच बहुत अच्छी गल है, बड़ी इन्होंने हिम्मत, बहुत अच्छा काम किया वा कि अपने हिस्से की जिहड़ी जायदाद सीगी उन्होंने सेल करके ते अल्लाह दा घर बनाउण दी कोशिश की आ। ते इंशाल्लाह मिलजुल के कोशिश करांगे कि भाई दा जिहड़ा ख्वाब आ अल्लाह दा घर आ, बहुत ही नेकी दा काम आ, बहुत ज़्यादा अजर व सवाब हुंदा इस चीज़ दे विच हिस्सा मिलाउण वास्ते। ते इंशाल्लाह पूरी कोशिश करांगे कि भाजी हुणी ने जिहड़ी यानी कि बुनियाद रखी है मस्जिद की, उन्होंने मुकम्मल किया जाए। माशाल्लाह काफ़ी बड़ी मस्जिद है मोहसन, तो हले सिर्फ दीवारा वगैरह हुई हैं, बाकी काफ़ी सारा काम आ जोड़ा कि पिया हो। अच्छा सत्तार भाई, ये दसो कि किन्ने हद तक काम यानी मुकम्मल हो गया? यह काम हले ये समझो कि 5% मुकम्मल होया, 95% एदा काम रहिंदा है। अच्छा, एदा मतलब है कि यह तहखाना, तहखाने की छत रहिंदी है हले, इस तो उत्ते मस्जिद बनेगी, मस्जिद का सहन है, बाकी सारा काम रहिंदा हले। अच्छा, हले 5% काम होया, 95% काम रह रहे। अच्छा बाबा जी, तुसी भाई हुनी दे वाले जे? अच्छा, तुहाडा बेटा है? अच्छा माशाल्लाह, चलो जी, इन्होंने बहुत बाबा जी अच्छा काम किया। देखो ना, नहीं तो लोग जमीन के पिछे लड़ते फिरते हैं, एक दूसरे को कतल कर देंगे। तो मैं कहना कि तुहाडे बच्चे नूं दात देनी चाहिए, जिन्होंने यानी अपना जिहड़ा हिस्सा आया वा वह इन्होंने यानी अद्धा अल्लाह दे विच मस्जिद अल्लाह दे घर दे विच वक्फ कर दिता, तो अद्धा जिहड़ा उन्होंने सेल करके उत्थे मस्जिद की तमीर वास्ते काम शुरू करवा दिता। बहुत अच्छी गल है जी, बहुत अच्छी गल है। इंशाल्लाह साडी पूरी कोशिश है, इंशाल्लाह तुहाडी मस्जिद जिहड़ी है खैर खरीयत नाल बन जाए। तो बहुत वड्डा फातिमा प्रोजेक्ट है, ये काफ़ी बड़ी मस्जिद है, छोटी मस्जिद नहीं है, क्योंकि हले तो ये जो ना तहखाना दी दीवारां वगैरह सिर्फ हले बनिया, हले तहखाने की उपर पहले छत डलेगी, फिर उस तो बाद जो उत्ते जाए। यानी साडा मस्जिद अगे का प्रोग्राम यह है कि इंशाल्लाह जो ही मस्जिद मुकम्मल हो इत्थे मदरसा और नाल मस्जिद का काम चलाना इंशाल्लाह। यानी मस्जिद तो मस्जिद बनेगी ना, लेकिन नाल मदरसे का भी शुरू करना इंशाल्लाह काम। इंशाल्लाह चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं। हाँ जी, इंशाल्लाह असी भी भाई हुनी दे नाल आ, बिल्कुल बहुत अच्छी गल है, तुसी मदरसा शुरू करो, इंशाल्लाह असी भी तुहाडा जरूर भरपूर साथ देवांगे इंशाल्लाह मदरसा बनाउण दे विच, क्योंकि यही नेकी दे काम आ जिहड़े साडे नाल जाणे ने, बाकी सारा कुछ ही इत्थे रह जाणा वा। ते काश के ये रमजान मुबारक दे विच मुकम्मल हो जावे। हां जी हां जी हां जी। अच्छा ए है, ए यानी पहला फ्लोर आ? हां जी, यानी इत्थे जिहड़ा अपना तहखाना वगैरह है? हाँ जी, ये तहखाना बनेगा इंशाल्लाह। अच्छा, और इत्थे तहखाने दे विच मदरसे दा मुकम्मल प्रोग्राम है थले? हाँ जी थले। अच्छा, और ऊपर मस्जिद होएगी। ठीक है। अच्छा, तुसी माशाल्लाह दीवारां जिहड़ियां ये भी 13 दियां करवाईयां? हाँ जी। अच्छा माशाल्लाह, ये ज़ाहिरी गल आ मेरे ख्याल तुसी यानी 2-3 मंजिला दा सोचा होया मेरे ख्याल दे विच, हाँ जी, इस हिसाब नाल तुसी दीवारां वगैरह रखियां नहीं? और दूसरी गल है कि ए गैलरी रखी है। अच्छा हाँ जी, ताकि हवादार सारा काम हो जाए। अच्छा अच्छा, हाँ जी, तहखाने वास्ते हवा, गैलरी रखने का मकसद है। अच्छा, कालम शालम भी तुसी यानी? हाँ जी, खड़े कीते हुए हैं, खड़े मजीद इत्थे आने हैं। अच्छा। एक ते दो, इधर भी दो। अच्छा, ते फिर मुकम्मल। चलो इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो जरूर इंशाल्लाह मस्जिद बनेगी तुहाडी। तो सत्तार भाई, काफ़ी दिनों तो मैनू जरा कॉल करके बुलवा रहे थे कि मेरी गल सुनो, तो मैं इन्हां कोले आया खसूसी, इन्होंने तो मैनू दस्या, मैं कि भी चलो सत्तार भाई जरा अपने जुबानी भी शेयर कर सकन।
अच्छा इतने तकरीबन कितनी लागत आ जाएगी, कोई है लवाया कोई एस्टीमेट वगैरह ਤੁਸੀਂ? एस्टीमेट ਅਸੀਂ ਲਵਾਇਆ ਹੈ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿਰਫ ਆ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਛੱਤ ਇਹਦੀ ਉਹ ਸਰੀਆ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਦੀ? ਸਰੀਆ ਵਾਲੀ ਛੱਤ। अच्छा 10 लाख दे मुकम्मल हो रही है ते उतला प्रोजेक्ट अगो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਖਾਨੇ ਦੀ ਛੱਤ ਛੱਤ ਸਿਰਫ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਆਰਸੀਸੀ ਦੀ ਛੱਤ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਰੀਆ 1 ਟਨ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ 3.5 ਟਨ ਸਰੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਜਰੀ ਆ ਸੀਮੈਂਟ ਆ 200 ਬੋਰੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਰੇਤ ਲੇਬਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਬਰ ਲੱਗੇਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਹੀ ਗਾ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਚਲੋ।